चलिए हमारे तरफ से एक छोटा सा आपके लिए अमाउंट, क्योंकि हम लोग कोई बड़े सेलिब्रिटीज नहीं हैं, लेकिन 1000 रुपये हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस पैसे से आप कॉपी किताब कलम लेंगे, ठीक है, लेंगे कॉपी और पढ़ाई करेंगे कि नहीं? पढ़ाई करेंगे जरूर। हम ये कोशिश करेंगे कि हम पुलिस बने, समाज को कहेंगे गलत लड़की को मत कीजिए, लड़की कमजोर है, कमजोर आदमी के सामने कमजोर है, बाकी कमजोर लड़की नहीं है। हमको एक रिश्ता दिला दे सबको, बहुत बहुत मेहरबानी होगा। ये रिक्शा आपका अपना नहीं है क्या? नहीं, अपना नहीं है। किराए पे लेके? हाँ, रेंट पर हम ले, 400 रुपये उसको डेली देते हैं। पटना की सड़कों पर 15 साल की एक लड़की जो ई रिक्शा चलाती है, और शायद इससे पहले आप इतने छोटे बच्ची को ई रिक्शा चलाते हुए नहीं देखते होंगे, क्योंकि अमूमन इस एज में जो लड़कियाँ है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई करते हुए नजर आती है। बाबू क्या नाम है आपका? ज्योति। अभी आप पटना के सड़कों पे ये कब से ई रिक्शा चलाती है? ये 10-15 दिन से हम चला रहे हैं। 10-15 दिन से चला रही है। अभी 15 साल आपका एज हुआ ना, तो पढ़ाई उढ़ाई करती है, स्कूल जाती है? पहले पढ़ाई करते थे 6 महीना और छोड़ दिए मम्मी जब से डेट की थी। मम्मी का जब से देहांत हुआ तो आप पढ़ाई करना छोड़ दी। अब जब आप घर से बाहर निकल रही है, क्योंकि अमूमन लड़कियां जो है घर पे रह के पढ़ाई करती है, अब जब आप घर से बाहर निकल के ई रिक्शा चला रही है, तब क्या बोलते हैं आसपास? सब मोहल्ला वाला, मतलब आसपास के भी बोलते हैं कि तुम ऐसी हो, गलत काम कर रही हो, मत करो ये सब काम। हम बोले ये काम नहीं करेंगे तो कमा के कौन खिलाएगा हमें, तुम खिलाओगे कमा के? तो बोलता है कि तुम, हाँ तुम कमाओ, मतलब कुछ काम करो। हम लोग झाड़ू पोछा करेंगे, झाड़ू पोछा में उसमें हो ही नहीं सर, उससे बोलेगा कि नहीं यही रेट है, 1500 रेट है, तो 1500 में मेरा घर नहीं चलेगा। मेरा पापा है तो मेरी मम्मी की छोटा सा रूम बनाई हुई है, तो मेरे पापा बोलते हैं तुम घर से निकलो, घर से निकलो डेली। हमको खुद आपको बोलते? हाँ, डेली बोलते थे, इसीलिए हम रिक्शा चला निकाले हैं कि हम पैसे जमा करके करकटवा किन के अपना अलग झोपड़ी बना कर रहे हैं। मतलब पापा से अलग रहना चाहती है? पापा शराब का सेवन भी करते हैं? हाँ। तो शराब पीने के बाद मारते पीटते गाली मारते पीटते, रात भर हम लोग को सोने नहीं देते, रात भर रोड पर रहते रहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते घर से निकलो, यहाँ से भागो। खुद आपके पापा? सोचिए कि कितना ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि इनके पिताजी के द्वारा जो है इनको खुद टॉर्चर किया जाता है, लगातार मारा जाता है, पीटा जाता है कि घर से निकलो। घर से क्यों निकलना चाहते हैं? घर से निकालना चाहते हैं कि तुम ऐसी लड़की हो गई, गाड़ी चलाती हो, करती हो, आप कमा के नहीं खिलाएगा तो क्या करेंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे? और कम पहले झाड़ू पोछा भी करते थे ऐसी, मेरी मालिक, मेरी मालिकिनी है ना, मेरी मैडम, उसके कन जाके बोलता था कि इसको मत रखिए, उसको मत कीजिए, उस वहाँ से हटा दिए हमको। और फिर हम गाड़ी चलाने लगे तो गाड़ी को जो मालिक है ना, उनको लगा लगा के गाड़ी बकते हमको। अच्छा, तो ये गाड़ियाँ अब जब अक्सर रोड पर चला रही होगी तो पटना के लड़के छेड़खानी वगैरह भी करते हैं? हल्का फुल्का छेड़खानी करते, वो करते रहते कि ये देखो देखो लड़की चला रही, लड़की चला। हम बोले कि लड़की क्या नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है, बाकी लड़की डर के रहती है कि ये हमको गलत बोलेगा। मतलब लोग इस तरीके से कमेंट, ये सब सुन के रोना आता होगा? रोना क्या करे, रोना तो बहुत आता है, बाकी अपना ये गरीबी से दूर हटना चाहते हैं, गरीबी को दूर करना चाहते हैं। आपको टूटना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, आपको बहुत लोग देख रहे हैं। मुझे पता है कि आपके साथ बहुत मजबूरी होता होगा, आसपास में जब भी आप घर से बाहर निकलती होगी बहुत सारा लोगों का कमेंट सुनने को मिलता होगा, पिता आपको प्रताड़ित करते हैं, इसके बाद भी कमा के सामान भी कुछ ले जाते हैं, नया नया कपड़ा भी ले जाते हैं ना, तो बोलती है ना कि लड़का सब फंसी हुई है, वो ले जाते, लड़का ही दिलाता होगा, ऐसे वैसे करता होगा, तो इस तरीके से देख कर आपको? हाँ, बोलता है सब। बाकी ऐसे वैसे हम लड़की नहीं है, हम मेहनत करके खाने वाली लड़की है। कितने घंटे आप मेहनत कर रही है अभी? हम सुबह से लेके 24 घंटे हम करते मेहनत। और रात में तो बाहर जब रहती होगी तब भी बहुत कुछ परेशानी होता है? रात को मतलब कभी घूमना फिरना हुआ, सोनपुर मेला गए तो उसमें गए, कभी हम मेला घूमने नहीं जाते, एक मरते मेला घूमने गए। ई रिक्शा कहाँ कहाँ चलाती है? इस रिक्शा हम पटना जगह, यहाँ आठ ब्लॉक, गांधी मैदान, सब जगह हम चलाते हैं। सब जगह चलाती है? घर पर, हम घर पर भी, मतलब घर पर मेरे पापा है ना, रहने नहीं देंगे, इसीलिए हम सोचते हैं कहीं रेंट पर रहने, फिर रेंट पर भी रहेंगे तो वहाँ का अगल बगल लड़का लोग चाहे छिड़काने, इसीलिए हम सोचते हैं वहाँ पर मेरे पापा है ना, वहीं पर झोपड़ी वा बना के हम रहना चाहते हैं, वहीं पे अलग आप झोपड़ी बना के रहना चाहती है। लेकिन देखिए, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपका उम्र जो है काफ़ी छोटा, हालांकि पिताजी के द्वारा मारा पीटा जाता है शराब के नशे में, वो बहुत बुरी बात है, लेकिन आप अगर कमा रही है तो इसके साथ साथ आप पढ़ाई भी करिए। हम पढ़ाई भी करना चाहते हैं, टाइम निकाल के पढ़ेंगे जरूर, टाइम निकाल के पढ़िएगा। चलिए हमारे तरफ से एक छोटा सा आपका आपके लिए अमाउंट, क्योंकि हम लोग कोई बड़े सेलिब्रिटीज नहीं है, लेकिन 1000 रुपये हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस पैसे से आप कॉपी किताब कलम लेगी, ठीक है, लेंगे कॉपी और पढ़ाई करेंगे कि नहीं? पढ़ाई करेंगे जरूर। हाँ, मतलब आप वादा करती है कि पढ़ाई करेंगे? हाँ, पढ़ाई करेंगे जरूर। हाँ, तो आगे पढ़ाई करके क्या बनना है आपको? पुलिस बनना है हमें। पुलिस बनना है, क्योंकि देखिए जब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कीजिएगा ना, समाज के लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे,
क्योंकि समाज के लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। जरूर, हम ये कोशिश करेंगे कि हम पुलिस बने। अच्छा, देश को आगे बढ़ाना चाहते, गरीबी से दूर करना चाहते देश को। सुना है क्या भाई को भी पढ़ाती है, भाई बहन को भी? हाँ, भाई बहन को भी पढ़ाते हैं हम अपना। तो भाई बहन को स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं, पहुँचाते हैं, फिर लाते भी भाई बहन को पढ़ा के। तो अभी जो है लगातार आप डेली ई रिक्शा पटना के? हाँ, डेली चलाते हैं। ये बताइए, जो लोग भी आपको देख रहे हैं उन लोगों से क्या सपोर्ट रहेगा? पटना में आप रहती कहाँ हैं? हम इको पार्क चाना में क्वार्टर पास रहते। जो भी हमको देख रहे हैं वो हमको प्लीज सपोर्ट करें, मदद करें हमें। आप चाहती है कि मदद करें ना? समाज को कहेंगे गलत लड़की को मत कीजिए। लड़की कमजोर है, कमजोर आदमी के सामने कमजोर है, बाकी कमजोर लड़की नहीं है, कमजोर नहीं है। अब बाकी देखिए, अनेकों लोग आपको इस तरीके से बिहार में या फिर पूरे देश में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को हम लोगों की तरफ से अगर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया जाएगा ना, तो इससे हमारा बिहार का तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। और हम लोग एक छोटी सी मदद करने का इनको प्रयास किए हैं। आगे जो भी लोग भी देख रहे हैं उनसे क्या डिमांड रहेगा आपका? हम उन लोग से हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हमारा, हमें सपोर्ट करें, हमें मदद करें। आपको एक ई रिक्शा चाहिए? हमको एक रिक्शा चाहिए, हमको एक रिक्शा दिला दे सबको, बहुत बहुत मेहरबानी होगा। ये रिक्शा आपका अपना नहीं है क्या? नहीं, अपना नहीं है। किराए पे लेके? हाँ, रेंट पर हम ले, 400 रुपये उसको डेली देते हैं। डेली देना पड़ता है। तो आप चाहती है कि हमें एक ई रिक्शा नया? हाँ, अगर ई रिक्शा मिल जाता है तो, मतलब आपके पास फोन वगैरह, फोन पे नंबर है कुछ? नहीं, फोन मेरा चोरी हो गया। अच्छा, फोन चोरी हो? फोन गया। हम लेने वाले हैं जाके। अच्छा, आप आगे अकाउंट नंबर वगैरह बनवाइए, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि लोग आपको कुछ मदद करें, ताकि आप एक नया ई रिक्शा खरीद ले और आपको दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन एक आप वादा कीजिए लोगों के सामने कि हम आगे से पढ़ाई करेंगे, ई रिक्शा चलाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ पढ़ाई, इसके साथ हम रिक्शा भी चलाएंगे, पढ़ाई भी करेंगे। पढ़ाई करेंगे ना? आप वादा करती है ना? वादा करती है। आप पढ़ाई करेगी तभी अपने घर का तकदीर और तस्वीर आप बदल सकती है। हाँ। तो इसके लिए आपको पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई करेंगे। बाकी हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची थी जो 15 साल की है, राजधानी पटना में ई रिक्शा चलाती है, और हम लोग प्रयास किए कि एक छोटा सा मदद किए, ताकि ये जो है आगे से अपने भविष्य को बनाने के लिए कहीं ना कहीं मेहनत को जारी रखे और पढ़ाई भी कर सके। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में जरूर दें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।